ओके हेलो स्टूडेंट, टुडे डिस्कशन क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे हमने चैप्टर के साथ ही कनेक्ट उसी के साथ करवा दिए। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो हम अभी डिस्कशन करेंगे। ओके तो सोस्टा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्व टू जीरो डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट एंड पॉइंट, यानी कि अपने को बताना है ए पॉइंट ए बोल देते हैं हम और इसको हम बी बोल दिया, यानी कि ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये जो लाइन है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो रेशियो अपने को बताना है। ठीक ओके बढ़ाते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पॉइंट ए कहीं यहाँ होगा, क्या ले रखा है थ्री कॉमा माइनस वन। पॉइंट बी कहीं यहाँ होगा एट कॉमा नाइन। ठीक एक लाइन है ऐसे इसको किसी पॉइंट सी पे कट कर रही है एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्व टू जीरो। देखो यहाँ तक डायग्राम समझ में आया, कह रहा है कि ए एंड बी को जॉइन करने वाले लाइन सेगमेंट को इस लाइन सेगमेंट को ये जो लाइन है किसी सी पॉइंट पे कट कर रही है तो अपने को बताना है ये जो लाइन है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है वो बताना है। अच्छा तो हमने या तो एम रेशियो एन ले लो या लैम्डा रेशियो वन ले लेते हैं। तो हमने क्या बोल दिया कि जो सी पॉइंट है पॉइंट सी ए एंड बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को लैम्डा रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक देखो कोई दिक्कत। ठीक यानी कि पॉइंट ए एंड बी को ज्वाइन करने वाले तो पॉइंट जो सी है वो लैम्डा रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है। अच्छा तो सेक्शन फार्मूला से लगा देंगे इंटरनली डिवाइड कर रही है तो हम क्या बोलेंगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट वो हो जाएंगे लैम्डा इंटू एट प्लस वन इंटू थ्री अपॉन लैम्डा प्लस वन करेक्ट है एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन बाई एम अपॉन एन। देखो वही लगाया है। ठीक अच्छा वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो लैम्बडा इंटू नाइन तो नाइन लैम्बडा प्लस वन इंटू माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन लैम्बडा प्लस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए ठीक है यहाँ तक पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अच्छा पॉइंट जो सी है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है पॉइंट सी लाई ऑन दिस लाइन सो सेटिस्फाई दिस लाइन तो लेकिन अब पॉइंट सी ये तो नोट कर दिया होगा लाइन लाइन हमने बना दिया है डायग्राम इससे तो क्वेश्चन तो नोट कर दिया होगा। ओके तो आगे लिखेंगे पॉइंट सी ऑन लाइन क्या है x माइनस वाई माइनस टू इक्व टू जीरो। ठीक है ये जो पॉइंट सी इस लाइन पे लाया करा सो सेटिस्फाई दिस लाइन सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस लाइन तो ये सेटिस्फाई करेंगे x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट क्या है इसका ये रहा। अच्छा y कोऑर्डिनेट ये रहा माइनस टू इक्व टू जीरो तो सेटिस्फाई करवा देते x की वैल्यू लिख दी लैम्डा प्लस वन ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो नाइन लैम्डा ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का वन अपॉन लैम्डा प्लस वन। ओके माइनस टू इक्व टू जीरो ठीक है क्लियर है। ओके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से होगा एट लैम्डा प्लस थ्री माइनस नाइन लैम्डा प्लस वन माइनस टू लैम्डा माइनस टू इक्व टू जीरो। ओके तो देखिए ये एट माइनस का नाइन माइनस का वन माइनस का वन माइनस का थ्री लैम्डा। ओके ये है थ्री प्लस वन फोर माइनस टू यानी कि प्लस का टू इक्व टू जीरो तो लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी आ जाएगी टू बाई थ्री। ठीक अपने को यही रेशियो कैलकुलेट करना था लैम्डा रेशियो वन में हमने डिवाइड किया था तो लैम्डा रेशियो वन कितना आ गया थ्री टू रेशियो थ्री। तो जो पॉइंट है ये जो सी पॉइंट है या ये जो लाइन है ए एंड बी को ज्वाइन करने वाले को किस रेशियो में डिवाइड करेगी
टू रेशियो थ्री में डिवाइड करेंगे, किस रेशियो में? टू रेशियो थ्री में डिवाइड करेंगे, ठीक है, नोट करें। नोट कर, ओके, नोट कर दिया हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस नवा सेकेंड, ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट पॉइंट पी इज गिवन एम एंड सिक्स एंड डिवाइडिंग द जॉइनिंग ऑफ पॉइंट ए एंड बी, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। पहले तो ये बताना है कि ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको पॉइंट पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दूसरी बात है यहाँ पे एम की क्या वैल्यू होगी ये भी बताना है। ओके, सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट है ए, माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री, दूसरा कोई पॉइंट है बी है, 2.8, क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, कोई तीसरा पॉइंट है जिसको हमने P बोल दिया, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है m, 6, ठीक। अच्छा, ये मान लो कि इसको m रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? लैम्डा रेशियो 1। ठीक, अच्छा, तो पहली बात, पहले अपने को इस लैम्डा की वैल्यू बतानी है कि लैम्डा रेशियो 1 है या किस रेशियो क्या होगा। दूसरी बात है कि एम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ओके, करते हैं। तो पॉइंट पी को, पॉइंट पी है ए एंड बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू 2, यानी कि पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, सेकेंड बात करते हैं, 8 वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ओके। अच्छा, और पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अपने पास गिवन है, क्या गिवन है, एम एंड एक्स कोऑर्डिनेट एम है, वाई कोऑर्डिनेट 6 है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका दोनों सेम, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं पी के, तो दोनों का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, यानी कि 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 6, यानी कि 2 लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2। यहाँ तक देखो क्लियर, ठीक, ध्यान से देखें, 6 इक्वल टू हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 6, 8 लैम्डा प्लस 3, 2, 3, ठीक, ओके। यानी कि पॉइंट पी है वो ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? 3:2 में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, ओके। सेकंड पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को, तो एम की वैल्यू क्या है, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वही तो एम है, तो एम की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट एम की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू है 3/2 माइनस 4 अपॉन 3/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5/2, ओके, ऊपर आपको माइनस 1 और ये 2 ऊपर जाएगा तो -2/5, तो m की वैल्यू आ जाएगी -2/5, ठीक। तो यहाँ से हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे -2/5, ठीक, नोट करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अगले हेडिंग डालेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है, कंडीशन का मीनिंग, कोलिनियरिटी का मीनिंग होता है कि बहुत सारे पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करें तो उस पॉइंट को बोलेंगे कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन पे लाई करने वाले, सेम पॉइंट, एक ही लाइन पे, सेम लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट। जैसे इस लाइन पे अगर बात करें, एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, तीन, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं, यानी कि एक ही लाइन पे आने वाले सब पॉइंट को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। जैसे मान लो अपने पास कोई दो पॉइंट है, एक, कोई दूसरा कहीं भी पॉइंट बना देते हैं दो, ठीक,
तो दो पॉइंट किसी भी प्लेन में हमेशा कोलिनियर होते हैं, ठीक। तो टू पॉइंट्स इज ऑलवेज कोलिनियर। देखो कैसे कि हमेशा इनको ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन करेंगे तो हमेशा एक सेम लाइन पे ही आएंगे दोनों लाइन, दोनों पॉइंट। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमेशा कोलिनियर होते हैं, ठीक। बट अगर थ्री पॉइंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो थ्री पॉइंट की अगर बात करेंगे तो देखो थ्री पॉइंट में क्या क्या केस पॉसिबल है। एक पॉइंट मान लो आगरा यहाँ पे है, और दूसरा बी पॉइंट कहीं यहाँ पे है, और सी पॉइंट मैंने कहीं यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो अच्छा, क्या ये ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्या कि जो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए? अब ऐसे मत बोलना कि सर ये लो ये बना दिया हमने, तो ये लाइन नहीं है, ठीक है। मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। क्या तीनों पॉइंट से पास होने वाली कोई लाइन पॉसिबल है क्या? नहीं। कैसे लाइन पॉसिबल है? या तो ऐसे ही दोनों को जोड़ दो एक लाइन, मतलब ये स्ट्रेट है, थोड़ी डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाएं, डायग्राम में दिखने की चाहिए खूबसूरती ना, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए अपने। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट यहाँ पे कोई है, सी पॉइंट, एक लाइन तो ऐसे पॉसिबल है। तो ऐसे हुई तो हम बोलेंगे सर ये तो कोलिनियर नहीं है, तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है कि नहीं? तो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अच्छा मान लो कि तुमने ए एंड सी को भी मिला दिया, ए एंड सी को मिलाएंगे तो भी क्यों लिनियर नहीं है? क्योंकि बी पॉइंट टूट जाएगा, इस लाइन पे लाइन ही कर रहा। अच्छा बी एंड सी को भी मिला दिया तो भी देखो ये बी पॉइंट ए पॉइंट इस पे लाइन ही करता, इसलिए कोलिनियर नहीं है। बट अगर मान लो कि तीनों एक ही लाइन में आ जाए, तीनों एक ही लाइन में आ जाए, यह है ए पॉइंट, यह है बी पॉइंट, यह है सी पॉइंट, तो ये जो तीनों पॉइंट है वो कैसे हैं? कोलिनियर है। तो लिखना पॉइंट, इसमें लिखना पॉइंट ए वी एंड सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, करेक्ट। अच्छा बट यहाँ पे नॉट कोलिनियर पॉइंट है, ये कोलिनियर नहीं है। बट यहाँ इस केस में तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो क्या होंगे? तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर होंगे। तो इस केस में लिखना पॉइंट ए बी सी, सी इज ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, ठीक। अच्छा मान लो कोलिनियर है, तो कोलिनियर की कंडीशन क्या आ गई? कोलिनियर की कंडीशन अगर वैसे तो बहुत सारी पढ़ाई जाती है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। वैसे एक सबसे पहले हम बताते हैं एक स्लोप, जो आपने आज तक नाम नहीं सुना होगा, स्लोप क्या होता है कि बी सी लाइन का स्लोप और बी ए बी लाइन का स्लोप, बी सी लाइन का स्लोप इक्वल होगा, ए सी लाइन का स्लोप और ए बी लाइन का स्लोप इक्वल होगा, जो कि अपने को कोई मतलब नहीं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने को जो अपने काम की बात है उस पे आते हैं। उसकी क्या है काम की बात? काम की बात ये है कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं ए बी सी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए सी जो डिस्टेंस है, ए सी जो डिस्टेंस है वो ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस के सम के इक्वल होगी। ये होगी ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस के इक्वल होगी, पहली बात। अच्छा अब पॉइंट ए बी सी कहीं पे भी हो सकते हैं। अपने को कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का सम, दो पॉइंट के अलग अलग पॉइंट के बीच का जो सम है वो किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। यानी कि दो अलग अलग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का सम टोटल उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए सी है तो ए और सी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मान लो यहाँ ए बी है तो यहाँ पे भी ए एंड बी लास्ट में होना चाहिए, करेक्ट, इस तरीके से। ओके तो क्वेश्चंस कर दिए, नोट कर दिया होगा, क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक और तरीका है, एक तरीका तो ये है पहला, दूसरा एक और, ठीक, दूसरा एक और तरीका है, ठीक है। वो कैसे होता है? वो एरिया ऑफ ट्राइंगल से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड अभी बताएंगे, तो हेडिंग नहीं डाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा उसको बताना, ठीक है, बताता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगली हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें सेकंड कंडीशन इसकी और बताएंगे। ठीक है, मान लो एक एरिया, एक ट्रायंगल है ए बी सी,
एक्स वन कॉमा वाई वन, बी एक्स टू कॉमा वाई टू, सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। ठीक है, कोई ट्राइंगल है ए बी सी जिनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स वन ए बी एंड सी तीनों। ठीक, अच्छा अपने को इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका एरिया क्या होगा? देखो एरिया कैलकुलेट करने का अपने को सबसे अगर बेसिक बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाता है वन बाई टू बेस इंटू हाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, अच्छा मान लो अगर मैंने बी सी को बेस मान लिया, ये अगर अपने पास बी सी बेस हैं, ठीक है, और अगर मैं इसके हाइट कैलकुलेट कर पाऊँ, हाइट क्या होगी ये वाली। ठीक, यानी कि यहाँ से अगर मैं एक अल्टीट्यूड डालूँ इस लाइन पे, तो ये अपने पास हाइट हो जाएगी, ये है एच और ये है बी, जो बी सी डिस्टेंस है वही है बी। ठीक, तो अगर मान लो अपने पास हाइट गिवन है और बेस भी कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है, बी सी आ जाएगी ना कैलकुलेट करके, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और मान लो किसी ने बोला सर मैंने ये बेस मान लिया और ये हाइट मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस मान लिया ये हाइट मान ली कोई दिक्कत नहीं, तीनों बात एक ही है। ठीक, तो बेसिक इसको सॉल्व करने के बाद में जो अपने को जो रिजल्ट याद रखना है वो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हो जाएगा वन बाई टू। ठीक है, क्या है पहले देखना है, घबराना नहीं है, ये है एक्स वन। ठीक, इसको बोल दिया एक्स टू और ये है एक्स थ्री, ये है वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री वन 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 का मॉड। ठीक, अच्छा ये क्या है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वन बाई टू और ये है टेबल और उसका पूरे का क्या है मॉड, इसको बोलते हैं मॉड, मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, मॉडुलस का मतलब है कि ये क्वांटिटी अगर अपने पास नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। ये जो डंडी है ना बेटा, ये डंडी क्या करती है, चाहे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, इसको हमेशा पॉजिटिव कर देती है। जैसे माइनस टू है अपने पास, इस पर अगर मैं ये डंडी लगा दूँ तो ये आएगा प्लस टू। ठीक, बट अगर प्लस टू ही है, इस डंडी की वजह से ही प्लस टू ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव है तो ऐसे कैसा, नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना। अच्छा, अब मैं तुम्हें ये सॉल्व करना सिखाता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना कि कभी कभी किसी बुक में अगर आपको ये देखने को मिल गया और बोले सर ने तो गलत पढ़ा दिया, ये वन बाई टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों बात एक ही है, मैंने इस जो है इसको उठा कर इस रो को मैंने ऐसे पटक दिया, ये देखो ये देखो, इसको ऐसे पटक दिया, इसको भी ऐसे पटक दिया और उसको भी ऐसे पटक दिया, तो बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं ना इसको। पहले तो ये बताओ ये क्लियर है, ये डायग्राम बनाओ, ठीक है, फिर मैं तुम्हें उस टेबल को सॉल्व करना सिखाता हूँ। ठीक, ओके, अच्छा इस टेबल को कैसे सॉल्व करते हैं, वन बाई टू तो है, एरिया की बात कर रहे हैं तो वन बाई टू तो है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ये वन बाई टू है। अब देखो बेटा, जब इस फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे ना एक्स वन को, तो सबसे पहले तो ऐसे याद रखो कि ये हमेशा पॉजिटिव के साथ ओपन होता है, ये नेगेटिव के साथ ओपन होता है, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होता है, अगला होगा नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ओपन होते रहते हैं। बट अपने को सिर्फ तीन का पता होना चाहिए, तीन से ज़्यादा सिलेबस में अपने नहीं है और ये भी बहुत कम केसेस में पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, तो पहला जो एलिमेंट आएगा उसके रेस्पेक्ट में जब इस टेबल को ओपन करेंगे, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ मैंने ऐसे कैसे लिख दिया देखो। ठीक, अच्छा जब मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया है तो इस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इस फर्स्ट कॉलम और इस फर्स्ट रो को भूल जाओ। ठीक है, ये जब भूल गए तो अब अपने पास होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो बाकी जो रहे एलिमेंट उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और माइनस उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, वाई टू को वन से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस,
y3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक देखो बात क्लियर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब x1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर दिया, अब मैं y1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ। अच्छा तो y1 के आगे क्या साइन आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का y1। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब जब मैं y1 की बात कर रहा हूँ तो ध्यान से सुनना, y1 वाली ये रो पूरी खत्म हो जाएगी और इसको भी भूल जाना है। अब अपने पास कौन कौन से एलिमेंट रहे हैं, एक रहा है x2, x3, 1 एंड 1, ठीक। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x2 इंटू 1 माइनस y3 सॉरी x3 एंड 1। देखो ये आएगा ना, ये x2 टू इंटू 1 माइनस y3 थ्री इंटू 1, ओके। अब आगे किसके रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, प्लस 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, प्लस 1। तो जब इसको भूल जाएंगे और इसको भी भूल जाएंगे, देखो क्लियर है, तब आएगा अपने पास x2 टू वाई थ्री माइनस x3 थ्री वाई टू, यानी कि x2 टू वाई थ्री माइनस x3 y2, ये हो जाएगा इसका एरिया, ठीक। जो भी आएगा उसका मैं क्या ले लूँगा, मॉड ले लूँगा, तो अपने पास कंप्लीट एरिया आ जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट करें, इसको सॉल्व करके भी याद रख सकते हो, बट अपने को टेबल से ही सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और ये याद रखना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं ये पता होना चाहिए, कैसे लिख दिया x1 x2 x3 y1 y2 y3 111, ठीक। x1 x2 x3 y1 y, इसका हाफ कर देंगे, जो भी आएगा उसका क्या लेना है, मॉड लेना है, ठीक, ओके। क्वेश्चन करेंगे अभी, अच्छा इसका भी क्या है, मॉड है, जो भी आएगा रिजल्ट उसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, क्योंकि बेटा एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि हमारा गांव में जो खेत हैं वो माइनस टू सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो ऐसा थोड़ी माइनस टू मीटर या 200 मीटर स्क्वायर, माइनस 200 मीटर स्क्वायर का, तो नेगेटिव नहीं होता ना, पॉजिटिव होगा, तो हम एरिया को क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लगा, अगर नेगेटिव भी है तो भी उसको पॉजिटिव कर लेंगे, ये डंडी है ना मोड़, ये क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, इसलिए हमने ये डंडी लगाई है, ठीक, ओके। अब और ध्यान से सुनना, क्या हम मैंने बोला था कोलिनियरिटी की सेकंड कंडीशन यहाँ से आ जाएगी अपने पास, सेकंड कंडीशन कैसे आएगी, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अगर मान लो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर गए, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, मान लो आगरा यहाँ पर है, बॉम्बे मैंने यहाँ पर डाल दिया, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ, सी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा मैंने अगर ए बी सी ट्रायंगल का एरिया की बात करें, तो ए बी सी जो ट्रायंगल से जो एरिया बनेगा, पहली बात तो ए बी सी कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, जब ट्रायंगल ही नहीं है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एरिया ऑफ कोलिनेटर की सेकेंड कंडीशन आ जाएगी। तीनों पॉइंट कैसे, ए बी सी कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है, अगर ये कोलिनियर पॉइंट हैं तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीनों से कोई ट्रायंगल फॉर्मेट नहीं बन रहा तो इसका मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा तो अभी एरिया जीरो कर देते हैं, वन बाई टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, ये क्या है, जीरो है, ठीक। वन बाई टू को उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो भी जीरो ही होगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री y1, y2, y3, 111, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल होगा, ठीक। तो ये भी याद रखना, ये सेकंड कंडीशन है कि अगर कोई तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है, इस डिटरमिनेंट टेबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, नोट करें। ठीक, नोट करें। अब हम कुछ केसेस करते हैं, ये कुछ पॉइंट है, ए पॉइंट है 2.5, सेकंड पॉइंट है 4.6, थर्ड पॉइंट है 8.8, ठीक, ओके। ये कुछ पॉइंट है, अपने को बताना है कि ये पॉइंट कैसे है, कोलिनियर है, ये अपने को बताना है, ओके। सेकंड पार्ट है पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 1, -1, क्यू के है 2.1, आर के हैं 4.5, ठीक है। ये भी प्रूव करना है कि ये पॉइंट भी कैसा है, कोलिनियर है, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, अगर हम ये कोलिनियरिटी की अगर बात करें तो पॉइंट ए बी सी अगर कोलिनियर है तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक।
पहले मैं डिस्टेंस वाले से बता देता हूँ, ठीक है। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट की, तो ए एंड बी की डिस्टेंस कैलकुलेट की, तो 4-2 डिस्टेंस फार्मूला से प्लस 6-5 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। तो ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 5, क्लियर है। अच्छा, मैंने बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट की, तो ये हो जाएगी 8-4 का स्क्वायर प्लस 8-6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगी 4, 16+4 अंडर रूट 20, जिसको हम लिख सकते हैं 2√5। देखो अच्छा, फिर हमने कैलकुलेट की बी सी, आ गई ए सी कैलकुलेट की, ठीक। तो ए सी कैलकुलेट की, तो 8-6 कॉल स्क्वायर, सॉरी 2 कॉल स्क्वायर प्लस 8-5 का अंडर रूट, तो ये हो गया 636 प्लस ये हो गया 3, यानी कि 9। इसको हम लिख सकते हैं 45, तो ये 45 अंडर रूट 45, इसको लिखेंगे 3 अंडर रूट 5, ठीक है, ध्यान से देखें। अच्छा, अब हम देखेंगे कि किन्हीं दो को ऐड करो, तीसरे का अगर इक्वल आ जाए तो कोलिनियर है, वरना नहीं। तो यहाँ से अगर देखें तो ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। ए बी कितनी दे रखी है, अंडर रूट 5 दे रखी है, प्लस बी सी कितनी दे रखी है, 2 अंडर रूट 5, दोनों को ऐड कर दी तो कितने आ गए, 3 अंडर रूट 5, और 3 अंडर रूट 5 कितने डिस्टेंस के इक्वल है, वो ए सी के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से आ गया कि ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस वो है, वो ए सी डिस्टेंस के इक्वल है, यानी कि पॉइंट ए बी सी कैसे है, कोलिनियर पॉइंट है, कहीं पॉइंट ए यहाँ पे लाइक कर रहा होगा 2.5, पॉइंट बी यहाँ पे लाई कर रहा होगा 20 में, और सी पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा 8.8, ठीक है। देखिए ए एंड सी ए सी आ गया ना, यानी कि बी कहाँ लाई कर रहा है, कहीं 20 में लाई कर रहा होगा, ठीक। एक तरीका तो ये, ठीक है, क्लियर है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस देख ली दोनों सबको, दो को ऐड करके देख लिया क्या तीसरे की कुल, हाँ है बिल्कुल, तो हम बोलेंगे ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। दूसरा तरीका जो हमने डिटरमिनेंट वाले बात की थी, ये नोट कर दिया, नोट कर दिया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड तरीका, सेकेंड मेथड, ठीक। सेकेंड कैसे करेंगे, सेकेंड की अगर बात करें तो डिटरमिनेंट को क्या कर दो, जीरो कर दो। अच्छा, तो डिटरमिनेंट को जीरो कर देंगे तो एक्स वन, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ बताओ एक्स वन है क्या, एक्स वन की बात करेंगे तो ये 2 है, वाई वन की बात करेंगे तो 5 है, एक्स टू की बात करते हैं कितना है, 4 है, वाई टू की बात करते हैं कितना है, 6 है, ओके। एक्स थ्री की बात करते हैं कितना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, वाई थ्री की बात करें तो भी 8 है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, बता देते हैं क्या होगा डिटरमिनेंट, होता क्या, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वन, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, करेक्ट है, ओके। तो बस पुट कर देते हैं, पुट क्या करेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा 2 4 8 2 4 8 3 5 6 5 6 8 1 1 1, क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, यहाँ तक देखो क्लियर है, ठीक है। ये बेटा आगे बहुत काम आएगा अगर आपने मैथमेटिक्स ले लिया आगे जाके पढ़ने के लिए, ठीक है। तो 11th 12th में ये पूरा एक चैप्टर करके पढ़ाया जाता है आपको, ठीक। बट बेसिक जो ओपन करना होगा ना, अभी से अगर सीख लोगे तो बहुत आगे हेल्प करेगा ना, ठीक, ओके, ठीक है। इसको जीरो, इसको ओपन करो, ये नोट कर दिया होगा, और बिल्कुल ये भी नोट कर दिया आपने। अच्छा, तो करते हैं। अब हमने बोला था कि ये क्या होगा, ये होगा प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, करेक्ट, प्लस माइनस प्लस, ओके। जब मैं इस 2 के रेस्पेक्ट में ओपन करूँगा, तो 2 को लिख दिया मैंने, तब मैंने कहा था कि ये 2 वाली रो एंड कॉलम दोनों को छुपा दूंगा, जो बाकी रहेगा उसको कर देंगे, इससे इससे मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, देखो ये तो रहे, तो 6 × 1 माइनस 8 × 1, करेक्ट, ठीक। जब मैंने 2 के रेस्पेक्ट में ओपन किया, फिर मैं कर रहा हूँ 2 हो गया,
फाइव करूँगा फिर वन करूँगा, तो फाइव करेंगे तो फाइव का क्या माइनस फाइव है, तो ये माइनस फाइव कर दिया मैंने। अच्छा अब जो फाइव के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो ये वाला पूरा सुखा दो और ये बीस वाला जो फाइव की रो यानी कि रो और कॉलम दोनों को क्या कर दो हटा दो। पीछे क्या था ये रहा, तो वन इंटू फोर इंटू एट इंटू वन, तो फोर इंटू वन माइनस एट इंटू वन प्लस, फिर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, प्लस का कितना आ रहा है वन, तो ये प्लस का वन कर दिया हमने, करेक्ट है। अच्छा तो वन वाले को हटा दो और इस वन वाले को भी हटा दो, ये भी हट जाएगा ये भी हट जाएगा, तो अब रहा क्या फोर को एट से, और फोर को एट से कर दो माइनस सिक्स को एट से कर दो, और ये किसके बराबर होना चाहिए जीरो के बराबर है, ठीक है। अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो कोलिनियर है वरना नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये जीरो के बराबर होना चाहिए कंडीशन है, अगर ये जीरो के बराबर है तभी जाके कोलिनियर होगा वरना नहीं होगा, ठीक। तो ये होगा टू सिक्स माइनस एट माइनस फाइव, फोर माइनस एट प्लस थर्टी टू माइनस फोर्टी एट, ठीक। सॉल्व किया इसको तो ये क्या माइनस का फोर, ओके, एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से फोर यानी कि ट्वेंटी, यहाँ से हो जाएगा माइनस कितना सिक्सटीन, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी यानी कि जीरो के बराबर आ गया। जीरो के बराबर आ गया इसका मीनिंग क्या हो गया कि तीनों पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर पॉइंट हैं, ठीक है, क्लियर है, कर लोगे, ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी क्यू डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते, कोलिनियर है ये अपने को प्रूव करना है, तो पी क्यू डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितनी होगी टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक, कितनी हो जाएगी वन प्लस टू यानी कि अंडर रूट फाइव, करेक्ट है। ये हो गया वन, ये हो गया टू, टू का फोर और वन का वन फाइव, ओके। क्यू आर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा फोर माइनस टू फाइव माइनस वन, ठीक, तो फोर माइनस टू टू हो गया, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस वन फाइव, फाइव फाइव माइनस वन फोर, फोर का स्क्वायर ठीक टू रूट फाइव, ओके। आगे बात करते हैं पी आर की, ठीक, फोर माइनस वन और माइनस वन सॉरी फाइव प्लस वन, तो ये हो जाएगा नाइन प्लस थर्टी सिक्स, पहले वाले पार्ट आ गया कितना आ गया थ्री अंडर रूट फाइव, ठीक। तो यहाँ पे अगर पी क्यू प्लस क्यू आर को अगर ऐड करें तो ये कितना है अंडर रूट फाइव प्लस टू अंडर रूट फाइव, तो ये हो जाएगा थ्री अंडर रूट फाइव जो कि है पी आर के बराबर, तो तीनों पॉइंट कैसे हो गए कोलिनियर हो गए, ठीक है, कि पी आर डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू पी आर के बराबर, तो ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए कोलिनियर पॉइंट हो गए, ठीक, नोट करें। तो इस तरीके से हम कोलिनियरिटी की चेक कर सकते हैं, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द पॉइंट ए, इस पॉइंट को हमें ये बोल देते हैं ए ए कॉमा जीरो, बी जीरो कॉमा बी एंड सी वन कॉमा वन इज कोलिनियर इफ ये कंडीशन ओवर सेटिस्फाई, यानी कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर तब होंगे जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो अपने को ये बताना है कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तब जाके ऐसा होगा, ठीक है, ओके सॉल्व करते हैं। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो या तो डिस्टेंस फार्मूला यूज में ले लो, ठीक, या फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी जीरो, डिटर्मिनेंट से कर लेते हैं, कोलिनियर है तो एक्स वन ए एक्स टू जीरो, एक्स थ्री कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, ओके, वाई वन की बात करेंगे तो जीरो, y2 की बात करेंगे तो b एंड y3 की बात करेंगे तो 1, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 यानी कि a 0 b 1 1 1 1, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा नेगेटिव के साथ खुलेगा पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ठीक। अच्छा a के रेस्पेक्ट में खोला, ओपन करेंगे a के रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस यानी कि b इंटू 1 b माइनस 1 माइनस जीरो के साथ ओपन करेंगे तो जीरो से जो भी मल्टीप्लाई में आएगा सब कुछ क्या होगा जीरो ही होगा,
लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक। प्लस वन, इसके साथ जो ओपन होगा ये लाइन खत्म, ये भी लाइन खत्म, कितना हो जाएगा, जीरो इंटू वन, जीरो इंटू वन माइनस बी इंटू वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा तो बात आगे सारी करते हैं। ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए, ये तो जीरो ही हो गया, प्लस वन माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक देखे क्लियर, ठीक। अच्छा ये वन कौन सा लिखा है, ये वन ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये वन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। देखो जीरो इंटू ये वन को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो जीरो इंटू वन तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन भी खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास जीरो है, माइनस बी टू माइनस बी। ओके इसको और सिंप्लीफाई किया, ए बी को मैं उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ से आ गया ए बी बराबर ए प्लस बी, ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वन अपॉन बी, और यहाँ आ जाएगा वन अपॉन ए। हो गया प्रूफ, ये ए बी सी अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये तभी होगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। देखो ठीक आगे नोट करें, सेकेंड फाइव नंबर क्वेश्चन है, नोट कर दिया हूँ। ओके द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज फाइव स्क्वायर यूनिट्स, टू वर्टेक्स टू ऑफ इट्स वर्टेक्स आर टू एंड वन एंड थ्री एंड माइनस टू, तो द थर्ड वर्टेक्स लाई ऑन द लाइन, तो फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो थर्ड वर्टेक्स क्या होगा अपने को बताना है, थर्ड वर्टेक्स इस लाइन पे लाई कर रहा है और उसका एरिया कितना है, ये है, ठीक। तो बनाते हैं, ए पॉइंट बोल देते हैं वन, बी पॉइंट बोल देते हैं सी कॉमा माइनस टू, सी पॉइंट थर्ड वर्टेक्स को मैंने बोल दिया, क्या बोल रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो ध्यान से सुनना, इस लाइन पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हमने अल्फा ले लिया या एक्स वन ले लो, मैंने अल्फा ले लिया, ठीक। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, एक्स को यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा प्लस, कोई टेंशन कोई दिक्कत, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करा, इसलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है, ओके बनाते ही नोट कर दिया। और इसका एरिया अपने पास कितना, फाइव स्क्वायर यूनिट्स गिवन है, तो अपने को सी पॉइंट है वो कैलकुलेट करना है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। ओके तो एरिया कितना होता है, अभी बताया था, वन बाई टू हम वन एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टू थ्री अल्फा वाई वन वाई टू वाई थ्री वन माइनस टू अल्फा प्लस थ्री वन वन वन, ये दे रखा है फाइव, करेक्ट है। ओके इस वन बाई टू को मैंने उधर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, टेन हो गया, उधर वन बाई टू को यहाँ से हटा कर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो फाइव इंटू टू यानी कि टेन, ठीक। मोड को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, तो ये होगा वन 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 ये मोड को मैंने हटा दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है पूरी क्वांटिटीज, तो मैंने दोनों ले लिया, ठीक। जब मॉड को हटाते हैं, चाहे यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, अगर मान लो मॉड एक्स बराबर टू प्लस माइनस टू, ठीक, दोनों आते हैं, जब मॉड को हटता है तो दोनों साइन लिखा जाता है, जब मैंने इस मॉड को हटा दिया तो प्लस माइनस टेन, तो एक बार प्लस टेन के साथ सॉल्व करना, एक बार माइनस टेन के साथ सॉल्व करना, ठीक। अच्छा तो करते हैं पहले प्लस टेन वाला फिर माइनस टेन वाला ले लेंगे, तो प्लस टेन वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो प्लस टेन वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, ओके तो प्लस टेन है तो इस टू के साथ ओपन करते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस, करेक्ट, तो टू, अब टू जब आ गया तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो कितना हो गया, माइनस टू इंटू वन माइनस वन इंटू अल्फा प्लस थ्री, करेक्ट, ओके। फिर है माइनस का वन, ओके, तो जब ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म, तो हो गया थ्री माइनस अल्फा प्लस वन, वन के साथ किसको ओपन, ये भी लाइन गई ये भी गई, तो हो गया थ्री इंटू अल्फा प्लस थ्री माइनस
ये जब गया ये भी खत्म हो गया, तो माइनस का 2 यानी प्लस का 2 इंटू अल्फा, ठीक है ये एक बार है प्लस 10 के साथ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, करेक्ट है। अच्छा तो बनाते हैं और ठीक है सॉल्व किया इसको, तो ये लिखा है 2 माइनस 2 माइनस अल्फा माइनस 3 1, फिर है माइनस 1, तो जब माइनस 1 से करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस सॉरी प्लस का 3 माइनस अल्फा। ओके इसको जब अंदर ओपन किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया प्लस 3 अल्फा, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया ना, फिर है प्लस इसको वापस तरीके से ओपन करते हैं ना, ये 2 फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये आ गया 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का अल्फा माइनस का 3, करेक्ट। ओके फिर इस माइनस 1 वाले को ओपन करते हैं तो माइनस के साथ करेंगे तो माइनस 3 प्लस अल्फा, फिर इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 9 प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू 10, ठीक। ओके फिर अब मैंने इसको भी ओपन कर दिया तो यहाँ से आ गया माइनस का 4, ये माइनस का 4 माइनस का 5 तो माइनस का 10 लेकिन डायरेक्ट, तो ये माइनस का 10। ओके ये माइनस का 2 अल्फा माइनस का 3 प्लस का 4 एंड 5 6 अल्फा प्लस 9 इक्वल्स टू 10, करेक्ट। तो यहाँ से देखो यह है 1 अल्फा 4 और 2 6 अल्फा, ठीक। और यहाँ से ये माइनस 2 अल्फा है, माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 2 अल्फा और ठीक। ओके तो इसको सॉल्व इसको और इसको क्या था, माइनस का 1 एंड माइनस का 3 तो माइनस का 4 उधर जाएगा, और ये है माइनस प्लस का 6 माइनस का 4 2 तो ये प्लस का 4, ठीक है सबको उधर ले गए, डायरेक्ट नहीं हो रहे ऐसे काट लो 1 हो गया, ये कितना हो गया 13 प्लस 14, अल्फा की वैल्यू आ गई 7/2, एक तो आ रही अल्फा की वैल्यू 7/2, ठीक है 7/2 आ रहा है, यानी कि 1/x सी का क्या आएगा, सी पॉइंट एक आएगा 7/2, ठीक है दूसरा 7/2 प्लस 3 तो ये कितना होगा 13/2, ठीक। एक बार जब हमने किसके साथ ओपन किया है, प्लस 10 के साथ ओपन किया है, माइनस 10 के साथ भी ओपन कर दूंगा, ठीक। तो एक बार माइनस 10 के साथ ओपन कर देंगे तो माइनस 10 के साथ ओपन करेंगे तो देखो बेटा कितना फर्क आएगा, माइनस 10 के साथ ओपन करेंगे तो यहाँ केवल नेगेटिव आ जाएगा, बाकी तो सब सेम रहेगा, सब कुछ लिखो या माइनस 10 लिख दो, ठीक है या माइनस 10 यानी कि या माइनस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस 2 अल्फा माइनस 3 प्लस 6 अल्फा प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस का 10, माइनस 10 माइनस 10 गया, ठीक। ये हो गया 4 अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 3/2, तो दूसरा कोऑर्डिनेट जो आया वो आएगा माइनस 3/2 एंड यहाँ पुट कर देंगे 3 में तो 3/2 प्लस का 3/2, ठीक। ठीक है तो जो थर्ड वर्टेक्स है उसके दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, पहला कोऑर्डिनेट है 7/2 एंड 13/2, सेकेंड है माइनस 3/2 एंड प्लस 3/2, ठीक नोट करें। नोट तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है मैक्सिमम प्रॉब्लम हमने कर चुके हैं, सिमिलर जो बाकी प्रॉब्लम्स है सब सिमिलर ऐसे ही हैं, और आपके जो सिलेबस में है वो ऐसे ही टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक। ओके थैंक यू।